डीपीओ बटग्राम ने सयाहों की सिक्योरिटी और सहूलत के लिए सियाहती मकाम मैदान पर चेक पोस्ट कायम कर दी है, जबकि चेक पोस्ट पर पुलिस 24 घंटे तैनात रहेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हम जानेंगे। शेराज अहमद शेराजी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। बटग्राम से खबर शामिल कर रहे हैं। गली मैदान पर चेक पोस्ट कायम कर दी गई है, सियाहती मकाम है ये, डीपीओ बटग्राम की जानिब से। मजीद तफसीलात जानेंगे। शेराज अहमद हमारे साथ मौजूद है। शेराज अहमद बताइएगा, आज चेक पोस्ट भी कायम कर दी गई है, जो ये सियाहती मकाम है जिसे गली मैदान कहा जाता है, क्या तफसीलात है मजीद आपके पास? जी बिल्कुल इब्राहिम, बटग्राम के खूबसूरत तरीन मुकाम गलाई मैदान में सयाहों की तहफ्फुज़ और यकीनी बनाने के लिए डीपीओ बटग्राम अब्दुल रऊफ बाबर तहसानी और मेंबर कौमी असेंबली प्रिंस नवाज खान ने चेक पोस्ट कायम कर दिए है। पुलिस चेक पोस्ट में पुलिस ने पूरी दिन रात तैनात रहेगी, जो सयाहों को सिक्योरिटी और हर किस्म की सहूलियात फराहम करेगी। इफ्तिताही तकरीब में एमएनए प्रिंस मोहम्मद नवाज खान, डीपीओ बटग्राम अब्दुल रऊफ बाबर तहसानी, असिस्टेंट कमिश्नर अलाई शबीर अहमद आकाश समेत मुकामी लोगों ने किसी तरह तादाद में शिरकत की। मुकामी लोगों ने इस मौका पर पुरजोश नारे लगाकर मेहमानों का इस्तकबाल भी किया। मैं आपको बताया चलूं कि इस मौके पर मेंबर कौमी असेंबली प्रिंस मोहम्मद नवाज खान ने कहा कि जल्द ही गंतर से गले मैदान तक रोड पर भी काम का आगाज करेंगे, जबकि कैंपिंग पास के लिए जमीन का इंतकाल मुकम्मल हो चुका है, जिस पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि बटग्राम में सियाहत को फरोग मिले, ताकि मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को वादी अलाई के हसीन नजारात देखने का मौका मिले। जबकि डीपीओ बटग्राम अब्दुल रऊफ बाबर तहसानी का इस मौका पर कहना था कि पुलिस चौकी का मकसद ये है कि आने वाले सयाह बिल्कुल पुरसकून हो और आने वाले सयाहों को सिक्योरिटी फराहम की जा सके, ताकि वो अच्छे तरीके से इस पुरफजा मकाम को इंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया शहराज अहमद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।